बांदा में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के नाहरपुरवा गांव का है। यहां बदमाशों ने दिन दिहाड़े एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में परिजन घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि इसके पहले भी युवक पर कई बार हमले का प्रयास किया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो कतरा करके आ रहा था तो रात में वो हमला हुआ। मैं रात को 11 बजे उसको थाने भेजा तुरंत, तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उनको एप्लीकेशन लिखने के लिए एक कागज नहीं दिया गया, क्योंकि कह दिया कि कागज है नहीं, यहाँ देते ही नहीं है कागज। आप मार्केट से लेकर गई, बताइए 11 बजे रात को मार्केट में कहाँ से कागज मिलेगा। और ये आज सुबह की घटना है, बिसंडा थाना क्षेत्र के तहत नाहरपुरवा गांव पड़ता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने गोली मार दी है। नाम है, जिनको गोली लगी है उनका नाम है सोहन पाल। तो इनको गोली लगी थी, इनको रेफर कर दिया गया था कानपुर, लेकिन रास्ते में इसी बीच में इनकी डेथ हो गई है। कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा और गिरफ्तारी का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, शीघ्र ही गिरफ्तारी करवाई जाएगी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बांदा से जफर अहमद, पंजाब केसरी टीवी।